गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन की तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, अब हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएशन निकालनी है। सेम वैसे ही जैसे हम स्केलर में, याद है स्केलर में एफ डैश एक्स निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला था, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस डेरिवेटिव को कैपिटल ए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे लूं और इसको इधर ले जाऊं, ये इधर जाकर माइनस ए हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो यही बन जाएगा। देयरफॉर एफ को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे इन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए एच अपॉन एच द मॉड इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए क्या है, ए की वैल्यू है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है जी, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला ये हो गया इन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में, वही है बस सिर्फ रीअरेंजमेंट करके लिखा हुआ। एक तो ये इसका फॉर्मूला है, दो फार्मूले हैं, इसको ये अगर रीअरेंज करते हैं तो एक फार्मूला हो रहा है, वो देखते हैं आगे हम रिमार्क में करेंगे। जैसे नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये रिमार्क है इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी यही चीज हो रही है सेम। अब देखिए अब क्या कर रहा है इसमें, जैसे ये था हमारे पास डिफरेंशिएबल का, एफ को डिफरेंशिएबल कहेंगे, एक ये भी फॉर्मूला है एट द पॉइंट एक्स इफ दिस थिंग होल्ड्स। अगर इसको ही हम सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अगर एच को कॉमन करके डिवाइड कर दूंगा यही चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स वेयर आर एच अप्रोचेस टू जीरो। अगर इसमें मैं एक्स को डिवाइड करके एच को डिवाइड करके ये बना, इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स प्लस आर एच ओवर एच, देयरफॉर अगर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो करेंगे इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स तभी आएगी अगर यहाँ पे आर एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो है। ये भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कहीं पे यूज करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, एफ डैश के एक साथ भी चलेगा हमारा काम। ओके क्लियर है जी, देखो डिफरेंशिएबिलिटी की ये दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से करनी है। ओके नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी थ्योरम 5 की यूनिकनेस ऑफ डेरिवेटिव, कि अगर कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा वो हमेशा यूनिक होगा। जैसे इसमें देखिए एफ का डेरिवेटिव हमें गिवन है a1, इसमें एफ का डेरिवेटिव हमें गिवन है a2, तो हमने शो करना है ये दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल होने चाहिए, ये हमने शो करना है, दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ डेरिवेटिव। ये सिंपल ये भी लिखा सकता है अगर एफ इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स है देन शो करो दैट डेरिवेटिव इज यूनिक, देन ये हमने डिफाइन करना है, ये यहाँ रखना पड़ेगा। ओके अब ये दोनों को इक्वल शो करना है, अगर मैं बी ए मान लूँ तो हमने शो करना है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस मान लें तो हमने शो करना है कि बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कैसे शो किया हमने, बी इंटू एच निकाला, बी की वैल्यू पुट कर दी इंटू एच, ब्रैकेट खोल दी, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कर दिया, एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कर दिया, फिर हमने मॉड अंदर लेकर गए, ये पहला बन गया ये दूसरा बन गया, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें क्या किया हमने दोनों तरफ एच मॉड से डिवाइड कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी। अब ये देखिए ये हमें गिवन है, अगर एच को जीरो अप्रोच कराएंगे इसकी वैल्यू जीरो गिवन है, इसकी वैल्यू जीरो गिवन है, देखो इस पूरे की वैल्यू जीरो होगी। अगर एच की जगह यहाँ पे कोई और नंबर टी एच हो तब भी क्या इसका आंसर जीरो आता है, वो देखते हैं हम। हमने ये कंसिडर किया कोई और नंबर, अगर एच की जगह कोई भी नंबर हो जो जीरो को अप्रोच कर रहा हो तब भी इसका आंसर जीरो आता है, हमने ये निकाला। अब इसमें क्योंकि b लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, t से t कैंसिल हो गया, अब h को अप्रोचेस टू जीरो करेंगे क्योंकि इसका आंसर जीरो है, देयरफॉर इसका आंसर भी जीरो होगा, देयरफॉर इन एनी केस दिस का आंसर हमेशा जीरो है। अगर इसका आंसर जीरो है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो बी एच का आंसर भी जीरो आएगा, एच क्योंकि कोई भी वैल्यू है देयरफॉर इट मीन्स बी का आंसर इसका आंसर पूरे का जीरो होगा, इससे आ गया ए वन इज इक्वल टू ए टू। देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि हमारा जो फंक्शन है उसका लिमिट जो होती है वो सॉरी जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है जी, अब ये एक एग्जांपल है, ये आपने अपने आप करनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप इजीली आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारी थ्योरम आ जाती है कि जो भी फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हमने की थी ना उसमें तो किया था रियल वैल्यूड फंक्शन में, हमने ये किया था कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा,
क्या ये भी हमें पता है कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब हमने यही थ्योरम हमने वेक्टर वैल्यू फंक्शन पे करनी है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन शो करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके इजी है ये, शायद ही पेपर में आए, इतनी इजी थ्योरम नहीं पेपर में डालते। चलो हमें गिवन है एफ डिफरेंशिएबल है, हमने सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज़ की, यहाँ पर हम ए की वैल्यू एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया, इधर भी मॉड ले लिया, इधर भी मॉड ले लिया, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लगाई। यहाँ पे हमने जो सबसे पहली नॉर्म की डेफिनेशन की उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो यूज कर दी, यहाँ पे एच मॉड कॉमन निकाल लिया। अब ये देखिए अगर एच को जीरो पुट करें, यहाँ पर अगर एच को जीरो पुट करेंगे ये चीज जीरो होती है, बट यहाँ पे अगर एच को जीरो पुट करेंगे ये सारी चीज जीरो हो जाएगी। ये अगर ये पूरी चीज जीरो है, अगर इसका मॉड का आंसर जीरो है, हमारे रिजल्ट था लिमिट में, अगर पूरे का मॉड का आंसर जीरो है तो खुद का आंसर जीरो होगा। अगर इसको इधर ले जाएं, देखो यही डेफिनेशन होती है हमारी कंटिन्यूटी की, देखो एफ इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स। देखो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन पक्का हमारा कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारा चेन रूल। चेन रूल का क्या मतलब था आपको पता हो, जैसे ये गिवन था, अगर इसका हमने डेरिवेटिव निकालना हो तो पहले जी का डेरिवेटिव होगा किसी पॉइंट पे एक्स नॉट पे, तो क्या होगा पहले जी का डेरिवेटिव जी डैश एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर एंगल का डेरिवेटिव एट दी डेट पॉइंट, ये हमने शो करना है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो एफ गिवन है वो हमें गिवन है डिफरेंशिएबल एट दी पॉइंट एक्स नॉट पे, जी गिवन है हमें डिफरेंशिएबल एट दी पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट पे, हमने शो करना है कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल एट दी पॉइंट एक्स नॉट एंड इसकी ये वैल्यू होगी। इजी है, हमने सिर्फ ये मान लिया कि एफ ऑफ एक्स नॉट को दोबारा से लिखने की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट को मान लिया वाई नॉट, एफ के डेरिवेटिव को मान लिया इस पॉइंट पे ए, जी के डेरिवेटिव को मान लिया हमने बी। अब देखिए हमने शो क्या करना है, इसको दोबारा से लिखते हैं हम, हमने क्या शो करना है, एफ डैश एक्स नॉट किसके इक्वल होना चाहिए, जी डैश एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, हमारे ये पूरे की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स नॉट की तो हमें पता है वाई है, वाई नॉट है, तो जी डैश ऑफ वाई नॉट की वैल्यू बी है हमने मानी, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमने ए मानी, हमने ये शो करना है कि इसके डेरिवेटिव का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, अब हमें गिवन है पहले तो एफ स्टार्टिंग में देखिए, अब हमें गिवन है स्टार्टिंग में क्या गिवन है, हमें एफ गिवन था डिफरेंशिएबल, यही गिवन था स्टार्टिंग में, देखिए हमें यही गिवन है कि एफ जो है हमारा डिफरेंशिएबल है, यही गिवन है, अगर डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे एक्स नॉट पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी एट एक्स एट ए पे, यही होता है एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल। एज इट इज हमें जी गिवन है डिफरेंशिएबल एट दी पॉइंट एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब वाई नॉट पे, तो जी की वाई नॉट पे डेफिनेशन हमने लगा दी, ये दोनों हमने मान लिया गिवन है। ठीक है, अब हमने के अपनी तरफ से के क्या माना, इन दोनों इसको दोबारा से कंसिडर किया, इसको मैंने के मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस को के मान लिया। अब दोनों का मैं मॉड लूंगा उससे आंसर इजीली आ जाएगा, देखिए दोनों का हमने मॉड लिया ये बना, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये पूरे के पीछे निकाल लिया, मॉड अंदर जाएगा ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लेस देन इक्वल टू का साइन, यहाँ पे हमने वो नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज कर दी, फिर यहाँ पे एच मॉड को कॉमन निकाला, ये हमारा के मॉड है, ये हमारा एंड में यूज होगा। अब हमने क्या शो करना था कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी इंटू ए, देखो बाय डेफिनेशन हम वही कंसिडर करेंगे, एफ डैश कैसे मतलब क्या होता है यही चीज, इसको अगर h से डिवाइड करें इसका आंसर जीरो आना चाहिए, यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी, ये एज इट इज देखिए सही है। फिर ये क्योंकि x नॉट पे f ऑफ x नॉट y नॉट था, तो इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी y नॉट प्लस k, ये बन गया g ऑफ y नॉट b ऑफ a ऑफ h, b ऑफ y नॉट प्लस k, ये अगर ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने वही यूज कर लिया g ऑफ y प्लस, ये पीछे हमने निकाला है जी ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये एज इट इज, इन दोनों में हमने बी कॉमन निकाल लिया, ये बना, फिर इसको के माइनस ए एच की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ये हमने पीछे निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये बना, फिर मॉड अंदर जाएगा लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा, फिर इसका कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे ही सेम नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी हमने, इधर ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे मैंने के मॉड के ऊपर वैल्यू निकाल ली है वो पुट कर दी। अब इन सारे में अगर एच नॉर्म को कॉमन निकाल लें, ये आ गया, अब ये देखिए अगर एच को जीरो पुट करें ये चीज जीरो है, एच एंड के को जीरो पुट करें ये चीज जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है,
बट क्योंकि ये आगे इसके सारे, क्योंकि यहाँ पे एच को जीरो पुट करेंगे ये जीरो बन जाएगा, देखो फंक्शन कैपिटल एफ डैश की वैल्यू डिफरेंशिएबल आ जाएगा, यही हमने प्रूव करना है, दैट्स द चेन रूल। इजी है, इसमें तो कैलकुलेशन है, सिंपल आपने कैलकुलेशन से करना है और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है जी, डन, यहाँ तक क्लियर आपको? वेट, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। अब हमें पता है f एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसकी f की m वैल्यूज होंगी क्योंकि इसके m आर एम के मान लो ये बेसिस हैं, तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि f1 u1 प्लस f2 u2, ये लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दिस इज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव का क्या हमारा फॉर्मूला है वो देखिए, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ आई, एफ आई का एफ आई मतलब यहाँ पे एफ वन भी हो सकता है एफ टू भी हो सकता है, इसका कोई भी एक्स वन एक्स टू, एक्स जो है एक्स की वैल्यू हमारी ये है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर इसका एक्स जे से डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये या ये, इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है यहाँ तो वो आएगा, यहाँ पे जो उसके बेसिस हैं x पहले वाले के बेसिस e1 e2 e3 नाम दिया था वो यहाँ पे लिखा जाएगा e1 e2 इसका, यहाँ पे h लिखते थे ना, यहाँ पे ej डालना है, बस इतना सा फर्क है, वेयर e1 e2 जो पहले वाले का बेसिस है, u1 u2 तो जैसे ये था rn to rm, u1 u2 इसके बेसिस थे, r1 r2 इसके बेसिस थे। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास ये एक थ्योरम है, ये मेरी उसमें यूज हुई थी जी, किसमें यूज हुई थी, हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में यूज हुई थी ये थ्योरम, दैट्स वाई वहां पे मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, ये उसमें प्रूव करनी है मेरे वाले में। अब इसमें क्या गिवन है, अगर कोई भी फंक्शन, एक और थ्योरम आएगी, पहले तो ये गिवन है अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट एक और थ्योरम करेंगे वो कंटिन्यूस भी होते हैं, वो आगे की बात है। अगर ये कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, एंड एफ डैश ऑफ एक्स जी निकालने का ये फॉर्मूला है, ये भी हमने डिराइव करना है, वेयर ई वन ई टू जो है ये पहले वाले के बेसिस है, यू वन यू टू इसके बेसिस है। अब देखिए हमें गिवन है क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगा दी, बस यहाँ पे जहाँ पे एच लिखते थे वहाँ पे टी एक्स जी लिखा, कोई फर्क नहीं, वेयर वही सेम t of r of h over h is equal to zero, यही डेफिनेशन थी, सेम वही डेफिनेशन लिखी है, बस क्योंकि इसको पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई इसको देखिए अब आगे कैसे करेंगे, ये एज इट इज क्योंकि f डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये t कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वेयर दिस थिंग गोज। अब इसको अगर इसको इधर ले जाऊं और t से डिवाइड करके लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो करूं, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाएंगे t से डिवाइड करेंगे दिस ओवर दिस की वैल्यू जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये तो वही डेफिनेशन है, चाहे दोबारा से लिख दो इसका, अगर मॉड जीरो है तो इट मीन्स ये खुद जीरो होगा, खुद जीरो मतलब इसको इधर ले जाओ तो इसका आंसर ये बन जाएगा। यहाँ पे f का मतलब क्या है, f1 f2 fm, यहाँ पे f को लिख लिया f1 fm, यहाँ पे भी f को लिख लिया f1 fm, यही बना। अब ये अगर इधर वाला ऐसे ही चल रहा है, देखो अगर इससे ये पता चलता है ये बना हमारा, इसको पहले पहले को इकट्ठे कर लेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वन, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वन विद रिस्पेक्ट टू जे, एज इट इज अगला बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ टू, एज इट इज अगला बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एम, क्योंकि इसका आंसर ये आ गया, देयरफॉर इट इज अ डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स इट इज एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आर एम का एलिमेंट है, देयरफॉर इट मीन्स इसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, इसके साथ ई वन लिख देंगे, इसके साथ ई टू, इसके साथ ई एम, उसको एड कर देंगे, वो हमारा सेकेंड आंसर आ जाएगा। देखें वही किया इसने और तो कुछ नहीं किया, देखें ये देखिए इसने ये हमारा बना, अब ये डी वन है, डी जे ऑफ एफ वन है, ये है डी J of FM, क्योंकि ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, एंड क्योंकि इसका आंसर ये आया बिकॉज दिस इज बिलोंग्स टू RM, RM के बेसिस हमारे पास ये है, देयरफॉर इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये हो गया डेरिवेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए नीचे एक रिजल्ट है,
अगर j की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 लूँ फर्स्ट पे e1 पे, ये देखिए ये बन जाएगा ये फर्स्ट पे, अगर मैं j की जगह 1 लूँ ये पहले वाले का आ जाएगा, j की जगह 2 लूँ ये सेकंड वाले का बन जाएगा, ये j की जगह m लूँ ये लास्ट वाला बन जाएगा। अगर आपने लिखना है तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये और ये में कोई फर्क नहीं है, ये इसकी मैट्रिक्स नोटेशन है और कोई नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्रॉलरी हमने सेकंड अपने आप कर लेनी है, इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, ठीक है आगे, अब इसकी एक ये थ्योरम है जी, ये मेरी उसमें यूज हुई थी इनवर्स वैल्यू, इनवर्स फंक्शन में मेरी ये थ्योरम यूज हुई थी, याद हो आपको, ठीक है जी। इनवर्स में जब हमने किया था ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर है, देखिए अगर आपको क्लियर हो रही हो कि हमें क्या स्टेटमेंट है, अगर एफ जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, ई ओपन कन्वेक्स सेट हो, इसका नॉर्म बाउंडेड हो, तो दिस थिंग होल्ड होती है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ वाई कोई भी दो नंबर इसके अंदर लें वो ये चीज़ ट्रू होती है, इसमें ई कन्वेक्स सेट होना चाहिए। अब हमने ए एंड बी इसके दो पॉइंट लिए, फाई फंक्शन ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया, क्लियरली टी इसका एलिमेंट है, क्या ये सारी चीज इसके एलिमेंट होगी ई का, क्योंकि ई हमारा कन्वेक्स सेट ऐसा है, ए एंड बी इसके दो एलिमेंट है, तो हमने कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन दी, इन दोनों की लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, ये भी इसके अंदर आएगी, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ई, देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड है, अगर लिखना है आप लिख सकते हो। एंड पहले एक तो फाई डिफाइन किया एज इट इज, जी डिफाइन किया इसका फॉर फाई ऑफ एफ, जी क्या है फाई, एफ ऑफ फाई है, कि मतलब कि अगर ये डिफरेंशिएबल है डे डिफरेंशिएबल है, तो दो ये हमने थ्योरम की थी चेन रूल दोनों की फॉग ऑफ वो भी डिफरेंशिएबल होती है। देखिए इसका हमने, क्योंकि हमें गिवन है एफ डिफरेंशिएबल है, गिवन है फाई हमें ही पता चल रहा है क्लियरली इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये सीधा ऊपर ही है, ये डिफरेंशिएबल पक्का होगा, देयरफॉर इसका हमने बाय चेन रूल इसका डेरिवेटिव निकाला, पहले एफ डैश का फिर एंगल का, एफ डैश एज इट इज फाई डैश का इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे वो बी माइनस आए, दोनों तरफ मॉड लिया, अगर मॉड अंदर जाएगा वही प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत जगह यूज हो रही है इसकी, हमने एफ डैश ऑफ नॉर्म की वैल्यू एम है ये हमने पुट कर दी, ये आ गया जी डैश टी का मॉड हमारा लेस देन डिस आया। अब हमें गिवन है फाई डिफरेंशिएबल है, एफ डिफरेंशिएबल है, तो हमने चेन रूल कहता है इन दोनों की फॉर्म भी डिफरेंशिएबल होगी, अगर डिफरेंशिएबल हमारी फर्स्ट थ्योरम थी स्टार्टिंग में वो थी जी ऑफ बी माइनस, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए का मॉड लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए इंटू जी डैश ऑफ कोई भी नंबर, बी यहाँ पे 1 है ए है 0, ये पुट कर दिया, जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 की वैल्यू, जी जी की वैल्यू हमें पता है वो हमने पुट कर दी यहाँ पे, जी ऑफ 0 की भी वैल्यू पुट कर दी, इधर जी डैश ऑफ एक्स एज इट इज, ये एज इट इज जी डैश ऑफ एक्स हमने ऊपर प्रूव किया इक्वेशन नंबर 1 से, ये लेस देन दिस से ये हमारा प्रूव हो गया जी, ठीक है इजी है। इससे एक और रिजल्ट निकलता है, वेयर एम क्या है, दिस इज दी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स का नॉर्म, मॉड की मैक्सिमम वैल्यू, अगर एफ डैश एक्स 0 है तो इसका मॉड की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 आएगी, मतलब एम 0 है, अगर एम को यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए द मॉड इज इक्वल टू 0, अगर ये खुद 0 है तो एफ बी माइनस एफ ऑफ 0 होगा, मतलब कि इसका एंड पॉइंट्स पे आंसर सेम है, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड पॉइंट पे आंसर सेम है, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, ईजी है ये तो, कोई मुश्किल नहीं है। अब रह गई हमारी मेन लास्ट थ्योरम, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल मैपिंग, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी थी, उसमें भी करवाई थी इनवर्स फंक्शन थ्योरम में, याद है आपको क्या डेफिनेशन थी इनवर्स फंक्शन थ्योरम में, इसकी क्या डेफिनेशन थी, क्या थी इनवर्स फंक्शन थ्योरम में, यही कहते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल कब होता है, कब होता है जी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, अगर उसका डेरिवेटिव पहले नंबर पे एग्जिस्ट करे दूसरे नंबर पे वो कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल एफ डैश इज कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस की डेफिनेशन एट दी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे ये होगी, मतलब कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा इसका डेरिवेटिव निकले और वो कंटिन्यूस हो। अब हमने ये थ्योरम कह रहा है अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होता है, इसका एक पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है,
अगर ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो शो करना इसके पार्शियल डेरिवेटिव एक तो एग्जिस्ट करेंगे, तो ये हमने पीछे शो किया क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, पहले तो ये थ्योरम है। दूसरा वो भी कंटिन्यूस होंगे ये शो करना है, ठीक है। ये हमारी इनवर्स फंक्शन थ्योरम में ये यूज़ होता है जी, इनवर्स में भी होता है, इम्प्लिसिट थ्योरम में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, इट्स का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और इसकी वैल्यू ये होगी, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा। अब हमने ये शो करना था ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होना चाहिए, हमें गिवन है क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, इट मीन्स एफ डैश क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस की हमारी डेफिनेशन होती है, ये होता है। अब हमने शो करना है जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यूस हो या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस शो कर दो, तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे शो करेंगे, देखिए यही कंडीशन है, अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी शो करनी है कि दो नंबर लो अगर उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, इस पे डी जे ऑफ, इस पे अप्लाई करो डी जे ऑफ एफ आई वाई पे, अगर इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो प्रूव हो जाता है। ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हम लेकर चले, डी जे की यहाँ पे डेफिनेशन ला दी मैट्रिक्स वाली, इसकी लगा दी यू, इसमें ये हमने कॉमन निकाल लिया यू जे, फिर मॉड अंदर जाएंगे क्वेश्चन इक्वालिटी वो लगा दी हमने, ये तो इजी है, सिंपल क्वेश्चन इक्वालिटी लगाई, इससे देखिए फिर हमारा बनता क्या है ये, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस जैसे ये ऐसे होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, अगर ये ई वन है इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन होगी, एज इट इज जो ये है ये भी स्टैंडर्ड बेसिस है, इसके भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन होगी, दैट्स वाई हमने जो यू आई का मॉड आ रहा था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी वन। फिर इस पे फिर पहली थ्योरम लगाई, ये अलग अलग को फिर गया, इसका अगेन मैग्नीट्यूड ये अगेन वन, ये हमें पीछे गिवन है, दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एफ डैश क्या था, एफ था हमारा कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, यही था। फिर इससे प्रूव हो गया जो ये क्या नाम है, पार्शियल डेरिवेटिव एक तो एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, जो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस होता है, देयरफॉर दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है जी। ये कन्वर्स पार्ट आपके लिए होमवर्क है, दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे ख्याल से मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आप एक बार अच्छी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखें, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।